आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो होने वाला है विजिट वीज़ा को लेके, जो नए रूल्स हैं या फिर जो पुराने ही रूल्स हैं, मैं वापस से बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है अभी अभी यूएई पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। देखिए, जो लोग विजिट वीज़ा पे जॉब ढूंढने के लिए यूएई पे आ रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग 30 डेज या फिर 60 डेज या फिर 90 डेज का विजिट वीज़ा लेके यूएई पे आते हो जॉब ढूंढने के लिए, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 30 डेज या फिर 90 डेज या फिर 60 डेज, जिसके अंदर भी आपका वीज़ा है, उसी डेट के अंदर अंदर आप वापस चले जाए। पता है ये सबको कि 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है जो आपके वीज़ा के वैलिडिटी है उसके साथ, बट आप लेकिन फिर भी कोशिश करें जो आपके डेट है जो वीज़ा के एक्सपायर होने के, उसी डेट के अंदर अंदर चले जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं इतने कि आप इसको रीइशू कर पाएंगे या फिर एक्सटेंड करवाना चाहते, तो आप वो करवा लीजिए। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर ओवरस्टे के फाइन लग सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ये इंसिडेंट हुआ है। एक इंडिया के विजिटर्स यहाँ पे आए थे जॉब ढूंढने के लिए और उनको जॉब नहीं मिला है। जो ग्रेस पीरियड मिलता है 10 दिन का, उन्होंने वो भी स्टे कर लिया, लेकिन जैसा यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिला है, वो 10 दिन के बाद फिर वापस टिकट भी बुक कर लिया इंडिया जाने के लिए, लेकिन उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया क्योंकि उन्होंने ओवर स्टे कर लिया। उनके ऊपर लग गया है बहुत बड़ा फाइन। तो वो बंदे के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पे करके वापस चले जाए, इसके वजह से वो यहाँ से जा नहीं पाए, उनको रखा गया है। ऐसा नहीं है कि उनको रख ही लेंगे, उनको वापस भेज देने वाले हैं। फिर भी अगर आप जा रहे हो तो इतनी परेशानी क्यों लेना है। तो चलिए एक बार आज मैं आप सबको बता देती हूँ फाइन किस तरीके से होता है ओवर स्टे के। अगर कभी आपने ओवर स्टे कर लिया है, मतलब कि अब जो आपका ग्रेस पीरियड मिलता है 10 दिन, उससे ज़्यादा रह लिया है, तो आपके ऊपर जो पहला दिन है उस दिन लगेगा 200 दिरहम का फाइन, और उसके बाद 100-100 दिरहम के फाइन लगते जाएंगे। और अगर आपने एक्सटेंड कर लिया हो ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर ही, तब आपके ऊपर फाइन नहीं लगेंगे। अगर आप सोच लीजिए कि आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो गया है और उसके बाद अब आप एक्सटेंड कर रहे हो, आपका आज ग्रेस पीरियड खत्म हुआ है और बीच में एक दिन था और उसके बाद आपका जो नया एक्सटेंड वाला वीज़ा है वो आया है, जो वो एक दिन है बीच में गया है जब आपके पास कोई वीज़ा नहीं था, उसका 200 दिरहम का फाइन जब आप एक्सटेंड करने जाओगे उसके ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं, वही आपको पे करके उसके बाद ही आपके पास एक्सटेंडेड वीज़ा मिलेगा आपको। और अगर आप कोई रेसिडेंट हो और आपका ओवर स्टे हो गया है, मतलब कि आपका जो रेसिडेंट परमिट है वो एक्सपायरी हो गया है, तब आपको कितना फाइन लगेगा। जो पहला दिन आपका फाइन लगेगा वो है 125 दिरहम, यानी 125 रुपये का पहले दिन का फाइन। उसके बाद वाले दिन जितना दिन आप जाने वाला है उस प्रत्येक दिन आपको 25-25 दिरहम के फाइन लगने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते करते 6 महीना तक रह लिया तो आपके ऊपर 50 रुपये पर दिन का फाइन लगने वाला है, और अगर आपने ऐसा करते करते 1 साल तक रह लिया तो आपको प्रत्येक दिन का 100-100 दिरहम का चार्जेस लगने वाला है। तो ये थे रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए। और रेसिडेंट वीज़ा जिनके पास होता है उनके पास जो ग्रेस पीरियड है वो 30 डेज का ही होता है। ये कॉमन सवाल सबके दिमाग में अभी आ रहा होगा, क्या ओवर स्टे जो पीरियड होता है क्या वो क्रिमिनल केस है। देखिए, क्रिमिनल केस तो नहीं है, ऐसा अक्सर देखा गया है। कहीं कई बार रेसिडेंट वगैरह 5 से 15 दिन तक वो टाइम एक्सटेंड हो ही जाता है या फिर ओवरस्टे हो ही जाता है, तो उनको अगर फाइन पे कर दिया जाए तो वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज़ में हैं वहाँ पे ऐसा बहुत स्कैम चलता है कि आपको विजिट वीज़ा दे दिया जाता है वर्क वीज़ा के नाम पे, तो तब ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो एक एक साल दो दो साल तक यहाँ पे रह जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली क्रिमिनल केस में ही आता है।
दूसरा सवाल जो बहुत पूछा जाता है वो है कि क्या ओवर स्टेइंग आपको यूएई में बैन कर देने वाला है कि नहीं। देखिए, ऐसा देखा गया है कि ओवर स्टे अगर आप करते हो और फाइन वगैरह दे देते हो, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम यूएई पे आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर आपने ओवर स्टे कर लिया और बिना फाइन के आप गए, या फिर आपको पैसे नहीं है फाइन देने के लिए और आपको छोड़ना पड़ा, तो अक्सर ऐसा कभी कभी देखा गया है कि आप लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं ये लोग। तो ये थे सारे डिटेल्स जो आज के वीडियो में थे, जो मैंने बताया है ओवर स्टे का फाइन और कैसे कैसे फाइन पे करना पड़ता है विजिटर्स या रेसिडेंट्स को। अगर आप मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो काइंडली मेरे ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।